दोस्तों 2 दिनों में यानी शुक्रवार 26 जुलाई को पेरिस के जो ओलंपिक गेम्स हैं 2024 के, उसकी ओपनिंग सेरेमनी है और मशाल जो होती है ओलंपिक की वो लगभग पेरिस पहुंच चुकी है। पेरिस के एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आउटस्कर्ट पे है अभी ये, और आज जैसे हम लोगों के घर के पास आई थी, लगभग आगे है पेरिस में। तो हर रोज़ कहीं ना कहीं मशाल जाती है, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो काफ़ी उत्सव जैसा माहौल है आजकल पेरिस और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो आज ये हम लोग देखने गए थे, देखिए काफ़ी धूमधाम है, काफ़ी लोगों में उत्साह है, तो अच्छा है। और आगे जैसे जैसे भी गेम्स, जहाँ भी मुझे कुछ दिखेगा इसके बारे में, आप लोगों को मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। मैंने एक वैसे मैं पैरालंपिक्स का एक मैच भी मैंने सोचा है बैडमिंटन का देखूँगा, तो उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो मशाल पहले आई थी, लोग एक दूसरे को पास करते हैं जो भी पुराने खिलाड़ी हैं ओलंपिक्स के, फ्रांस के। और फिर उसके बाद ये लोग जो यहाँ की नदी है पेरिस की, सेन नदी, उसमें बोट के माध्यम से फिर इस मशाल को आगे ले गए दूसरे पास के, एक दूसरे कम्यून में, या ये बोलें कि जो दूसरा सिटी है या सबर्ब है, वहाँ ले गए थे, और फिर आगे दूसरी जगह ले गए होंगे। तो पूरे दिन, एक दिन में 3-4 जगहों पे जाती है फिर ऐसे करके। और अब कल तो फिर ये पेरिस में ही पहुंच जाएगी, क्योंकि परसों फिर ओपनिंग सेरेमनी ही है।